अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टिकटॉक यूएस अकाउंट में बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा था कि उनका जो किसी को भी फॉलो करते हैं ऑटोमेटिक अनफॉलो हो जाता है, मतलब कि फॉलो अनफॉलो का मसला आ रहा था, ना ही वो किसी को लाइक कर पा रहे थे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि यार उसका क्या हल है और क्यों ये मसला आता है और कैसे आप इस मसले को ठीक कर सकते हो। तो इस वीडियो को किसी भी बंदे ने स्किप नहीं करना, क्योंकि हर बंदे के पास यही मसला आ रहा है। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की पहली दोनों वीडियो नहीं देखी कि आपने यूएसए का अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद उसकी सारी की सारी सेटिंग कैसे करनी है, तो भाई उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उनको जाकर लाजमी देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तीन तरीके। पहला तरीका वो जो कि ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, कि मतलब कि आपने रिपोर्ट कैसे करनी है, टिकटॉक को कैसे बताना है कि आपको ये मसला आ रहा है और इसको आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। नंबर टू पे वो तरीका बताऊंगा जिससे मेरे खुद के टिकटॉक यूएस अकाउंट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और नंबर थ्री पर आपको वो तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले दोनों तरीके वर्क नहीं करते तो आप तीसरे तरीके को यूज करके अपनी ये मसले को हल कर सकते हैं। तो बेहतर है यार वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करना, अगर आपके पास ये मसला आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपके पास जो भी टिकटॉक है वो प्ले स्टोर वाली होनी चाहिए, प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल की हो, पाकिस्तानी टिकटॉक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने टिकटॉक सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि यार टिकटॉक हमारी अपडेट है या नहीं अपडेट। अगर तो नहीं अपडेट मेरी तरह, तो सिंपली आप लोगों ने इसको अपडेट कर लेना है, क्योंकि भाई ये सारे काम करने से पहले अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपने सिंपली लाजमी से अपडेट कर लेना है। अब जैसे ही आप लोगों के पास टिकटॉक अपडेट हो जाती है, सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो मैं प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई ये वही आईडी है जिसको हमने इस कोर्स के स्टार्टिंग पहले पार्ट में बनाया था और दूसरे पार्ट में आईडी के हमने सारी सेटिंग की थी। आपके सामने है वही आईडी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में मैंने दो लोगों को फॉलो किया हुआ है। तो अगर तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो आईडी को मैंने फॉलो किया हुआ है। नीचे वाली आईडी मेरी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस आईडी को आपने पहले बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा तो इसको भी फॉलो किया हुआ है। अभी यहाँ पर मैं करता हूँ बैक। बैक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको लाइव कुछ अकाउंट को फॉलो करके दिखाता हूँ कि भाई मेरा मसला ये हल हो गया, ठीक है। वीडियो हमेशा उसकी देखा करो जिसका खुद का मसला ये हल हुआ हो, जिसका खुद का ही ना हल हुआ हो, जो आपको बंदा प्रूफ देते ही ना हो, उसकी आप वीडियो देखते हो फिर कहते हो हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे फॉलोवर, यहाँ पर चेक कर लो 11 फॉलोवर हो गया आपके सामने। मैंने यहाँ पर किया है अकाउंट को फॉलो, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, अनफॉलो भी नहीं हो रहा है, मतलब ये कि मेरा मसला बिल्कुल सही है, क्लियर है, मेरे अकाउंट पे कोई इस वक्त मसला नहीं है। अभी सिंपली मैं इन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इन सारे के सारे अकाउंट को जिनको अभी फॉलो किया इनको मैं अनफॉलो कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सही है, मेरा मसला हल हो गया, अनफॉलो भी कर दिया है, फॉलो भी आपके सामने कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी मसला आ रहा था कि भाई हमारा लाइक नहीं हो रहा, सिंपली यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ वीडियोज को लाइक कर लेता हूँ, लाइक करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देखो इनको लाइक कर लिया, लाइक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लाइक का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो जिन वीडियोस को मैंने लाइक किया, यहाँ पर देखो आपके सामने ही है सारी की सारी वीडियोस लाइक भी हो गई है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद फिर यहाँ पर मैं इन पे क्लिक करके इनको यहाँ पर अनलाइक कर देता हूँ, डिसलाइक कर देता हूँ, ठीक हो गया। मतलब कि आपने लाइव प्रूफ देख लिया भाई मेरा वही यूएसए का अकाउंट है जिसको आपने पिछली वीडियोज में देखा था और मेरा ये मसला ये हल हो चुका है, ठीक है, मेरा फॉलो भी हो रहा है, लाइक भी हो रहा है। अब तीसरी चीज आपको एक और चीज दिखा दूँ, ठीक है, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको ये भी दिखा दूँ कि ये यूएसए का या नहीं यूएसए का। सिंपली यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्रिएटर टूल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, यूएसए का अकाउंट है। सिंपली यहाँ पर मैं क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई यूएसए का अकाउंट है और इस अकाउंट की हमने लाइव डेट ऑफ बर्थ भी चेंज की थी। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का मसला आ रहा है तो भाई ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर इसकी डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर लेना। अब बात करते हैं जी, आपने सारा प्रूफ देख लिया, सब कुछ देख लिया, यूएसए का अकाउंट है, वही अकाउंट है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फॉलो भी हो रहा है, लाइक भी हो रहा है। अब चलते हैं कि आपने इस मसले को हल कैसे करना है। पहला तरीका आप लोगों को बताता हूँ, तीन तरीके हैं, ठीक है, पहला ना वर्क करे, दूसरा न करे, तीसरा, तीनों को ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर मैं थ्री लाइंस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट आ प्रॉब्लम का, सिंपली आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे लोग जो है, मैंने वीडियो खुद भी देखी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर देखो फॉलो लाइक कमेंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास ये वाले सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को कहते हैं कि यहाँ पर आप जो है किसी एक को भी सिलेक्ट कर लो, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग यूजर, यहाँ पर देखो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो लोग आपको कहते हैं कि यहाँ पर आप इसको नो कर दो, ठीक है, नो करने के बाद रिपोर्ट कर दो, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन यार ये गलत तरीका, इस तरीके से आपका मसला हल नहीं होता, ठीक हो गया। आपने करना कि आपने बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पर देखो आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है जी फॉलो, ठीक है, फॉलो लिखना है। फॉलो लिखने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है इनेबल टू फॉलो यूजर, सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, इस इनेबल टू फॉलो यूजर पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यही वो चीज है, यहाँ से हमारा मसला हल होना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो आपको ये चार जो है यहाँ पर तरीके बता रहे हैं, भाई इन तरीकों को आप ट्राई करो, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उसके बाद भी आप हमसे रिपोर्ट कर सकते हो, हमसे
रब्ता कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका वाईफाई चल रहा है तो आप उसको डाटा पे स्विच करके चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद आप जो है अपनी जो वीडियो है उसका डाटा क्लियर कर लो, अपने मोबाइल को रीसेट कर लो, ठीक है। इसके बाद चेक कर लो कि आपने अपने टिकटॉक को अपडेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये चार तरीके आप अप्लाई कर लो। अगर आपका मसला हल हो गया, ठीक है, ना हल हुआ तो आप हमें जो है आप अपने मसले की एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो हमें सेंड कर दो, हमें रिपोर्ट कर दो, हम आपके मसले को सोल्व कर देंगे। तो भाई ये सब तो आपने पहले चेक कर लेना है, ठीक है। मैंने चेक किया था, मेरा नहीं हुआ था। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर अपने अकाउंट पे आ जाना है। सिंपली यहाँ पर मैं इन दोनों को अनफॉलो कर लेता हूँ। अनफॉलो करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, लाइव दिखाना है उनको कि भाई हमारा ये मसला देखो, ये हम फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिक अनफॉलो हो जाता है, ठीक है। मैंने तो स्क्रीन शॉट लिया है ना, तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। ये करने के बाद सेम आपने वही सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। फॉलो सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने यही इसी में आ जाना। आने के बाद आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पर आपने थोड़ा नीचे करना है। नीचे करने के बाद देखो यस एंड नो का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे देखो आपके पास आ गया नीड मोर हेल्प, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भाई आप लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब रिपोर्ट कौन सी सबमिट करनी है, मैंने अपने हाथों से लिखी है, मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही कॉपी की हुई है, सिंपली यहाँ पर मैं रिपोर्ट को पेस्ट करता हूँ और आप लोगों को पढ़ के भी सुना देता। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ क्या, मैंने लिखा हुआ हेलो डियर टिकटॉक टीम, आई हैव क्रिएट अ टिकटॉक यूएस अकाउंट इन पाकिस्तान। भाई मैंने साफ साफ बताया हुआ है टिकटॉक का, मैंने टिकटॉक यूएस अकाउंट बनाया है पाकिस्तान में बैठकर वीपीएन को यूज करके, ठीक है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ आई हैव अ प्रॉब्लम, आई फॉलो समवन हु अनफॉलो ऑटोमेटिकली, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है कि मैं जिस बंदे को भी फॉलो करता हूँ ना वो ऑटोमेटिकली अनफॉलो हो जाता है, तो टिकटॉक को मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरी प्रॉब्लम जो है ना इसको सॉल्व करो। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है आई वांट टू वर्क ऑन दिस अकाउंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं इस अकाउंट पे लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस पे अर्निंग करना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा जो ये मसला है ना इसको आप हल कर दे। इतनी सी बात है, ठीक है। यही रिपोर्ट आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लेना है, जो भी करना है आपने कर लेना है और इसी रिपोर्ट को आप लोगों ने करना है। इसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो का भी मिल जाता है, फोटो का भी मिल जाता है। यहाँ पर भाई आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने आपको स्क्रीन शॉट लेके दिखाया, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, लाइव उनको दिखाना है 15-10 सेकंड की। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी, फॉलो कर रहे हैं, हमारा फॉलो नहीं हो रहा, अनफॉलो हो रहा है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। लाजमी करने के बाद आपने सिंपली नीचे वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके उस वीडियो को अपलोड कर देना है। जैसा कि मैंने अभी फोटो ली थी, तो सिंपली यहाँ पर मैं फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने जो फोटो ली थी उसको यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने से भाई आपका मसला हल नहीं होना, आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है। इसके बाद सिंपली आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और 24 घंटे के अंदर अंदर टिकटॉक जो है वो आपको रिप्लाई करेगा, आपको बताएगा कि आपका मसला हल हो गया, ठीक है। आप जाके चेक कर लो, बहुत सारे लोगों का मसला हल हो भी जाएगा, बहुत सारे लोगों का मसला हल नहीं भी होगा। तो ये था पहला तरीका जिसको मैंने आपको लोगों को बता दिया कि भाई इस तरीके से आप लोग, सही तरीका ये है, इस तरीके से आप लोग रिपोर्ट करके चेक कर सकते हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। अब भाई बहुत सारे लोग जैसे होंगे मुझे पता है उनका मसला इतने से हल नहीं होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये तरीका बताया, बहुत सारे लोगों का हल हो भी गया लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ, तो मुझे पता है यार काफी सारे लोगों का मसला इस तरीके से हल नहीं भी होना और काफी सारे लोगों का मसला हल हो भी जाना है। तो सबसे पहला तरीका यही है, इसको आपने चेक करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा तरीका जिससे मेरा मसला हल हुआ है। अब दूसरा तरीका क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया है कि आप लोगों ने अपने अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है। अपने अकाउंट की सेटिंग करोगे आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैंने कोई अपने अकाउंट पर रिपोर्ट नहीं की, कोई किसी किस्म की इस पर ट्रिक नहीं लगाई, ना रिपोर्ट किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ जब से अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने सारी सेटिंग की है, उसमें मोबाइल नंबर लगाया, ठीक है, उसमें जीमेल लगाया, उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए अकाउंट को छोड़ दिया, मेरा मसला ऑटोमेटिक हल हो गया। कसम से मैंने इसमें कोई भी रिपोर्ट नहीं की, कोई भी इसमें मैंने तरीका अप्लाई नहीं किया। अब सेटिंग तो आपको मैंने पहले पार्ट 2 में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप ध्यान से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 32 मिनट की वीडियो है, ठीक है, ध्यान से देख अपने अकाउंट की सेटिंग कर लेना। बाकी फिर भी मैं आप लोगों को मेन चीजें बता देता हूँ कि जो आपने करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर मैं अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा ईमेल भी लगा हुआ है और मोबाइल नंबर भी लगा हुआ है, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर लगा हुआ है, ठीक है, ईमेल भी मेरा लगा हुआ है। ये चीज आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है, इन दोनों को आपने करना है। जब तक आप अपने अकाउंट को सेव एंड योर नहीं बनाओगे तो टिकटॉक को कैसे पता चलेगा कि आपने वाकई इस अकाउंट पे काम करना है, ठीक है, इसको आपने लाजमी कर लेना। इसके बाद सिंपली प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने चेक कर लेना आपका अकाउंट प्राइवेट तो नहीं है, अगर प्राइवेट है तो इसको सिंपली आपने पब्लिक कर देना, इसको आपने ऑफ कर देना। इसके बाद सिंपली बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन जो है इसको अपने मोबाइल नंबर के भी जरिए ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने अपने जीमेल के जरिए भी इसको ऑन कर लेना, ठीक हो गया, मेरा ये भी ऑन है। तो ये थे इसकी कुछ चंद सेटिंग जिसको करने के बाद ये मसला आपका ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा कुछ दिन के अंदर अंदर। अब वो लोग जिन्होंने रिपोर्ट करनी है भाई, उनको मैं ये बता दूं कि जैसे आप नया अकाउंट बनाते हो उसी वक्त आपने रिपोर्ट नहीं करनी, आपने कम से कम 15 दिन वेट करना है, कम से कम आपके अकाउंट पे 10-15 वीडियोस होनी चाहिए, उसके बाद आपने ये सारी रिपोर्ट करनी है। ये ना हो कि आप पहले ही रिपोर्ट कर देना, ठीक है, उसके बाद आपने रिपोर्ट करनी है, फौरन रिपोर्ट नहीं करनी है आपने, ठीक हो गया। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया।
तीसरा तरीका यह है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट अपने अकाउंट पे काम करना है, कुछ भी नहीं करना, काम करना है। जब आपके 1000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये मसला आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये था तरीका जिससे आप अपने टिकटॉक अकाउंट के फॉलो अनफॉलो मसले को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, इसी तरीके से आप जो है वो अपने इस मसले को हल कर सकते हो। यार अगर आपको टिकटॉक के लाइक चाहिए, फॉलोअर चाहिए, व्यूज चाहिए, या फिर टिकटॉक यूएसए का अकाउंट बनवाना है या मोनेटाइज करवाना है, तो आप लोग मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। आपको सभी चीजें बहुत ही चीप प्राइस में प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वो लोग जिन लोगों ने अभी तक इस कोर्स के पार्ट 2 को नहीं देखा कि यूएस अकाउंट की सारी सेटिंग कैसे करनी, तो भाई वीडियो आपके सामने है, इस पे क्लिक करो। 32 मिनट की वीडियो है, फजूल वीडियो देखने से बेहतर है इस वीडियो को देखो, ठीक है। अपने अकाउंट की सारी सेटिंग करो क्योंकि इस पे आपने काम करना है, ठीक है। इसको सीरियस लो, बाद में आपने इस पे अर्निंग करनी है। तो वीडियो आपके सामने है, इस पे क्लिक करो, इसको देखो। मिलता हूं आप लोगों के साथ उसी वीडियो में।